जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गरीबी दूर करने वाला और पैसे दिलाने वाला एक शब्दों का उपाय बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, शब्दों का अपना महत्व है और हर शब्द में कोई ना कोई शक्ति छुपी हुई होती है, और जब व्यक्ति इन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उन शक्तियों का लाभ व्यक्ति को मिलता है। और जब आप कुछ विशेष शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं तो उनमें विशेष शक्तियाँ पैदा हो जाती हैं, और ऐसे शब्द व्यक्ति की इच्छाओं को पूरी करते हैं, उनके कामों को पूरा करते हैं, उनमें वेग ला देते हैं, उनमें झड़प ला देते हैं, तेज़ी ला देते हैं, गति ला देते हैं, और व्यक्ति के काम जल्दी से पूरे होने लग जाते हैं, उनके सपने जल्दी सच होने लग जाते हैं। ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपको पैसों की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने बताया कि हर शब्दों का अपना अपना महत्व होता है, तो आज मैं आपको ऐसे शब्दों के बारे में बताने वाला हूँ कि जो पैसों से जुड़े हुए हैं। जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं धन की आवश्यकता के लिए, पैसों की आवश्यकता के लिए, रुपये के लिए, तब आपको इन शब्दों की शक्तियों के द्वारा ऐसी सहायता प्राप्त होती है कि आप जल्दी से जल्दी जो पैसे आपको चाहिए उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से पहुंचेंगे, तेज़ी से पहुंचेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बताता हूं उन शब्दों को कि जिनका प्रयोग करके यदि आपको एकाएक पैसों की आवश्यकता हो जाती है, तुरंत पैसों की आवश्यकता हो जाती है, कहीं से पैसा नहीं मिल पाता है, तो इन शब्दों की शक्ति से आप पैसों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इन शब्दों को बोलते जाएंगे, इन शब्दों की शक्ति से आपने जिनसे भी बात करके रखी होगी या जो आपके परिचय में होंगे, उन लोगों के मन के भीतर अपने आप इस तरह की तरंगे पैदा होने लग जाएंगी कि वो व्यक्ति सामने से चल करके आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। या आपने कोई कामकाज के बारे में सोचा है, या आपका पैसा कहीं पर ऐसा है जो दबा पड़ा है या फंस गया है, रुक गया है, ऐसा कोई पैसा है, तो वो व्यक्ति भी आपको स्वतः सामने चल करके आकर के पैसा दे करके जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है? देखिए, ये मन से संबंधित चीज़ है। जब आपको पैसा चाहिए तो आप मन ही मन कोई चीज़ को बोलेंगे, और वो किसी और के मन में जा करके जब असर करेगी तो इसके लिए आपको चंद्र से संबंधित कुछ शब्दों को चुनना पड़ेगा। साथ ही साथ पैसों कि आपको आवश्यकता है तो पैसों से संबंधित शब्द का भी आपको इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत ही सुंदर शब्द है, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। इसमें पैसों से संबंधित शब्द भी है, चंद्र जो मन का कारक है, जो मन के आपके मन के ऊपर जो इफ़ेक्ट करता है, प्रभाव डालता है, सभी संसार में जितने भी सचराचर जीव आपको दिखाई देते हैं उन सभी के मन का जो अधिपति है वो चंद्र है। तो जब आप चंद्र और लक्ष्मी के इस मंत्र का पाठ करते हैं तो आपको जब भी पैसों की आवश्यकता होती है तो आपके मन की बात, आपके दिल की बात, आपके अंदर की बात, जिस किसी भी व्यक्ति को आप जानते हैं, परिचित हैं, या जिसने आपका पैसा ले रखा है, उसके मन तक आपकी बात जाती है। और क्योंकि इसमें श्रीम शब्द का भी प्रयोग हुआ है, सामने वाला व्यक्ति आकर के आपको पैसा दे करके जाता है। अब आपको करना क्या है कि एक मोती ले लें। यदि जब भी आपको पैसों की आवश्यकता हो, एक मोती ले लें, सफ़ेद कलर का जो मोती आता है उसको ले लें, ऑफ वाइट कलर का आता है वो भी चलेगा, उसको आप ले करके अपने सीधे जेब में डाल दें, और जब भी आपको आवश्यकता हो उस मोती को आप पकड़ के इस मंत्र को बोलना प्रारंभ कर दें, ओम श्रीम श्रीम
चंद्रमसे नमः। इसका आप जाप करना चालू कर दें। घर में बैठे हैं तो एक जगह, यदि आप घर में बैठे हैं आराम से बैठे हैं तो मोती को आप इस तरह से हाथ में भी पकड़कर इसका जाप कर सकते हैं। कहीं रास्ते में हैं, कहीं गाड़ी में बैठे हों तो आप अपनी जेब में हाथ डाल दें और इस मोती को आप लगातार पकड़ के रखें। मोती जो है वो चंद्र का नंग माना जाता है, तो उसको आप पकड़ लें और उसको पकड़ करके आप बोलना प्रारंभ कर दें, ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। लगातार आँख बंद करके बोलते रहें। आपकी जो आवश्यकता है उसके बारे में सोचते रहें। जिन व्यक्तियों से आपको चाहिए उन व्यक्तियों के बारे में सोचते रहें, लगातार सोचते रहें, मन ही मन इसका जाप भी करते रहें। अब देखना कि बहुत जल्द आपके पास में पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। एक से अधिक व्यक्ति आपके पास में आएंगे और आपको पैसे दे कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।